एक फेस्टिवल का माहौल है। रमजान में मेरे आने की बड़ी ख्वाहिश थी यहाँ पे। रश बहुत है भाई, रश बहुत है। इनकी स्पेशलिटी चने, चने ना खाए ना तो बस नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। और ये आपको इस पूरे बाजार में किसी के पास नहीं मिलेगा। तो जिसका काम गोश्त का होता है तो पता होगा कि गोश्त कैसा होना है। वाह जी वाह। ये देखो भाई, ये है असल मसाला। हाँ भाई, तो फिर चले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़िया तबारक और भाई मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिंडी की करतारपुरा फूड स्ट्रीट पे। कराची की बहुत सारी सहरियाँ अफ्तारियाँ तो आपने देख ली, हमने सोचा पाकिस्तान के दीगर शहरों में क्या चल रहा है वो भी आपको दिखाएं। और करतारपुरा की ये फूड स्ट्रीट अपने आप में जो है ना वो एक मुकाम रखती है, क्योंकि यहाँ पे ख़ास तौर पर रमज़ान में बहुत ज़बरदस्त स्टॉल लगते हैं, खाने लगते हैं। वैसे भी ये जगह बहुत तारीखी है, तो आज ज़रा करतारपुरा एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फिर चले। वो लस्सी का मॉल बना हुआ है भाई, भाई पूरा लोग नोट कर रहे हैं। माशाल्लाह भाई, इसके बाद भी प्रोग्राम जारी रहा या बढ़ गया? नहीं, बढ़ने वाला नहीं है, जारी है। बढ़ा नहीं, चल रहा, जारी रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? जबरदस्त, मजे में। बड़ा गर्म अल्लाह पाक। बकरे के पाए भाई ये बेहतरीन, और ये है ये बड़े के पाए, और ये मगज रखा हुआ है, मिक्स नली रखी हुई है, और इसमें मुझे नहारी भी नजर आ रही है भाई। लहारी का सीन ही ऑन है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, लाहौर 0 किलोमीटर। ये देखिए भाई, ये फेनियाँ जो है ना ये तैयार हो रही हैं। कैसे हैं भाई चीज़ें? खैरियत से? माशाल्लाह, वाह भाई वाह। आपको पता है ये रमज़ान की ख़ास सौगात होती है फेनी, और फ्रेश फ्रेश ताज़ी ताज़ी फेनियाँ बन रही हैं यहाँ पे। बहुत बड़ी सी एक कढ़ाई लगी हुई है और उसके अंदर कम से कम 10-12 पेनियाँ जो हैं वो एक साथ फ्राई हो रही हैं। ये देखिए भाई, माशाल्लाह कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। कैसे हैं भाई जान आप? ठीक हैं? ज़बरदस्त, फुल यार, ज़बरदस्त आपने बनाया हुआ गेटअप है। ये देखें आप भाई जान, ये देखें ये रमज़ान का जो माहौल बना हुआ है ना, ये भाइयों की कुल्ले वेस्टकोट स्पेशल लाहौरी लाइफ कुल्फी है मेरा भाई। स्पेशल लाहौरी लाइफ कुल्फी कितनी? सर ये सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए की है। 100 रुपए की कुल्फी है भाई ये, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। चले जी, आते ही हमने जो है ना वो स्वीट डिश से जरा हम शुरुआत कर लें। अल मशहूर बाबा जी लाहौरी कुल्फी, बादाम काजू वगैरह वगैरह, लस्सी भी बनती जा रही है वहाँ पे। बिस्मिल्लाह। एक फेस्टिवल का माहौल है, रमजान में मेरे आने की बड़ी ख्वाहिश थी यहाँ पे। आप वैसे आम तौर पे तो मुझे नजर नहीं आते, सिर्फ रमजान में आते हैं। देखा, सिर्फ रमजान में आते हैं भाई। तो जो सिर्फ रमजान में आते हैं ना, और से आते हैं हम लोग। जबरदस्त है, बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। कैसे होते हैं माशाल्लाह भाई? बेहतरीन भाई, थैंक यू। लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें इसी बात के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? से ठीक ठाक है। कराची गोटा अलीम वाले भाई हमारे अंचोली से, अंचोली से जस्ट अलीम जी का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत? हेलो, क्या हाल है बेटा? हाय बोलो अंकल को। करतारपुरा का क्या माहौल चल रहा है? आपको तो माशाल्लाह देखते रहते हैं, कभी किधर कभी किधर, बेहतरीन माहौल चल रहा है। आओ ना, अलीम खिलाऊंगा आपको। डाल के दे अलीम। अरे दो चमचे, ज्यादा नहीं भाई जी। मोहब्बत है असल में जो है ना, ये ज्यादा नहीं निकालिएगा, थोड़ा सा बस बस, बेहतरीन। अदरक, हरी मिर्च, तली प्याज, और फिर ये लेमन हल्का सा, ये चाट मसाला। नदीम अब्बास भाई की मोहब्बत और करतारपुरा का ये कराची हलीम, सुभानअल्लाह। वही जायका है कि नहीं? बेहतरीन।
कराची में तो भाई अच्छी खासी गर्मी शुरू हो गई थी, और इस्लामाबाद में अभी भी ये रात के इस पहर जो है ना वो ये हुडी पहनने की नौबत आ रही है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड है, बड़ी मज़ेदार थी। और रौनक जो आप देख रहे हैं भाई, ये जो कुल्फ़ी हमने खाई, ये सामने एक और कुल्फ़ी का स्टॉल लगा हुआ है, पीछे लस्सी मिल रही है, एक और लस्सी भी वहाँ पर मिल रही है, ये कुछ खास ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ रमज़ान में यहाँ पर मिलेंगी। और यहाँ पर अकबर जी जो है ना वो एक बहुत मशहूर है, जो मैंने आपको बताया अली के ऊपर भी उनके सीढ़ी पाए बहुत मशहूर है, जो कैरेक्टर वगैरह है ना, ये जो खुला उला ये उन्होंने ही शुरू किया था, जो बाकी सबने फॉलो कर लिया उसको, तो ये सारा सीन है भाई। ये देखें भाई, ये स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये जो है ना ये पुराने सीन है, ये पुराने पुराने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। नाश्ता सेंटर, अल नुसरत नाश्ता सेंटर, यहाँ पे भी पाए हैं, चरगे मिल रहे हैं, फुल नाश्ते का सीन बना हुआ है। ये देखो भाई, ये मगज भी रखे हुए हैं यहाँ पे। कैसे हैं आप? ठीक है, ज़बरदस्त। कोफ्ते भी हैं, अंडे, चने, पाए, निहारी, वाह भाई वाह। ये देखें भाई, यहाँ पे भी ये लस्सी वस्सी मिल रही है। अंकल कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? ये माशाल्लाह तवा चिकन पे बड़ा रश चल रहा है, अच्छा है ये बेहतरीन है जी। हैं? अच्छा है। शकील निहारी एंड तवा चिकन पे भाई, पूरियाँ भी बन रही हैं, हलवा भी रखा हुआ है, और ये क्या रखा हुआ है भाई? अंडे, अच्छा चने, मुर्ग चने, अंडे चने, और जो तवा चिकन है वो ये बन रहा है। ओए 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 ओए, हरी मिर्चों के साथ, टमाटर के साथ। ये तवा चिकन किस तरह का है? ये स्पाइसी होता है सर, ये आरएफ चटखरा टाइप का है सर, उससे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर ही होगा। आप ट्राई करेंगे, जो भी देख रहे हैं लोग आएंगे यहाँ पे, टेस्ट करेंगे, ट्राई करेंगे। कितने का एक पीस? कितने का है ये? 600 का पीस है, लेकिन ये मसाला होता है इसके साथ, थोड़ी ग्रेवी हम बना के देते हैं, तो दो तीन लोग आराम से खा सकते हैं। अच्छा, ये देखो भाई, ये है असल मसाला, ये है मसाला। चलो भाई, ये तवा चिकन एक ऐसा आइटम है जो मैंने पहले यहाँ पे ट्राई नहीं किया, तो ये देखते हैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं, ये चेक करना पड़ेगा इसे। तवा चिकन आ गया भाई हमारा, और देखने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है। 600 रुपये का एक पीस है ये, साथ में ये रायता भी है, चपाती भी है, लेकिन जो है ना पहले मैं खाली टिक्का जो है, जो पीस है उसको टेस्ट करके देखता हूँ। देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा गला हुआ है, ये इतना गला हुआ है कि बिल्कुल हाथ रखें आप तो ये बहुत ही अलग हो रही है, और हड्डी अलग हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खट्टा है, चटपटा है, मसालेदार है, मज़ेदार है, उतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि अच्छी बात है। ये तवा चिकन जो है ना, ये मशहूर है आरिफ चटखारा का, उसके टेस्ट से डिफरेंट है ये वाला, ये बिल्कुल अलग टेस्ट है, वो अलग टेस्ट है, और ये भी मज़ेदार तो है। काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है भाई यहाँ पे, जो मसाला है ना बड़ा लजीज है भाई। मिर्च आपको अगर थोड़ी ज़्यादा लग रही है ना, तो आप ये थोड़ा रायते के साथ खा लें। पाए, चने, अंडा चने, कोफ्ते जो ट्रेडिशनल आइटम है उनसे हट के है, और अच्छा लगा देख के, रायता भी अच्छा है भाई। ये तवा चिकन हमने खा लिया है, इसके बराबर में ये फज्जा सिरी पाए। अब ये फज्जा सिरी पाए जो है, ये कौन से वाले फज्जे हैं भाई? क्या हाल है भाई जान? कौन से वाले फज्जे हैं ये? लाहौर वाला सर, ओरिजिनल। अल्लाह, ओरिजिनल, अल्लाह बात है। तो भाई ये कह रहे हैं कि ओरिजिनल फज्जे हैं, तो फिर ओरिजिनल ही होंगे यार। हमारी ब्रांची और भी है। अच्छा, अंदरून शहर में ब्रांची है हमारी। यहाँ पे कब खोला आपने? ये रमजान में। रमजान में? हाँ जी, पहले रोज स्टार्ट है। चलो भाई इधर आ जाओ आगे। वही वही आपको ज्यादातर आइटम मिलेंगे भाई, चने। ये किस चीज का साग है? ये पनीर पालक है। पनीर पालक, चलो ये एक नया आइटम नजर आया भाई, पालक पनीर। यहाँ पे निहारी रखी हुई है, पाए रखे हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक भाई, आपने रिकमेंड किया है मुझे, अभी क्या सीन है ये पालक? और यहाँ पे आपको पालक और चिकन मिलेगा। अच्छा। और आपको शाही कीमा मिलेगा। शाही कीमा और शाही पालक है। अच्छा, और ये आपको इस पूरे बाजार में किसी के पास नहीं मिलेगा। कह रहे पूरे बाजार में नहीं मिलेगी ये? दावा है, है? दावा है। और क्या खास बात है इस पे? खास बात ये है कि जो चीज़ है वही है।
घर का बना हुआ शौक की बुनियाद में हमने शुरू किया था। अच्छा, पिछले 6 साल से लगा रहे हैं स्टॉल के। रमजान में ही लगाते हैं? सिर्फ रमजान में लगाते हैं। अच्छा, कितने की प्लेट है कीमे की? कीमे की 800 की प्लेट है। और ये पालक की? और पालक की 200 की है। अच्छा, पालक में और भी कुछ होता है? चिकन। अच्छा, चिकन भी डालते हैं। साबत नीरज का तड़का। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। क्या बन रहा है? पराठा बन रहा है। अच्छा अच्छा, पराठे के साथ पीने का मजा आएगा ना भाई? ले जी आओ क्रिस्पी पराठा आपके लिए। माहौल बन गया भाई, माहौल बन गया। ये देखने में ही जो है ना लग रहा है कि कुछ सीन बन गया है। ये आ गई भाई हमारी प्लेट, ये हमारी प्लेट आ गई और ये बन रहा है इसके पीछे पराठा। वाह भाई वाह। भाई शेख सरमत भाई हमें यहीं जाते जाते मिल गए, हम तो गुजर रहे थे, इन्होंने कहा कि भाई ये ज़रूर खाएं। ये पराठा तो चाय से खाने वाला है, जंबो साइज का पराठा। सरमत भाई सबसे पहले भाई मैं चखूंगा ये पालक। मैं भी आपके साथ ही जाता हूँ। साग का ही टेस्ट आ रहा है ये पालक, लेकिन सरसों का साग जो होता है ना बड़ा लजीज वाला, गांव का जैसा होता है ना, वो टेस्ट इसके अंदर आया है खाते हुए। बहुत आ रहा है। और पराठे ने जो है ना वो माहौल बना दिया। ये आ गया भाई तीमा। अच्छा भाई, तीमे के अंदर भी इन्होंने जो है ना वो नींबू को अच्छे तरीके से कूट के इसके अंदर डाला है। स्मोकी फ्लेवर आया है, खाते ही ऐसी ऐसे धुनी जो होती है ना कोयले की जी भी हो, वैसा फ्लेवर आया है और बहुत लजीज है यार वहाँ पे। ये कुरैशी साहब, कुरैशी नाश्ता सेंटर है, और कुरैशी भाइयों का काम जो है ना वो गोश्त का ही होता था सर। इनका काम भी गोश्त है ना? क्या बता रहे थे? इन लोगों का काम भी गोश्त है। अब जाके कुछ लोग दूसरे कामों में चले गए, लेकिन मेनली इनका काम गोश्त का ही है। तो जिसका काम गोश्त का होता है आपको पता होगा कि गोश्त कैसा होना है। जबरदस्त भाई। आपको मैंने YouTube पे, Facebook पे देखता रहता हूँ। बड़ी बात है आप आज हमारे पास आओ। 2 साल हो गए ना आपका इंतजार करें। हमारे पास आप हमें खिदमत का मौका देंगे। बिल्कुल भाई बिल्कुल, हम इसीलिए आए खास तौर पे। हमें पता ही नहीं था कि आप सिर्फ रमजान में लगाते हैं। भाई ये जो अकबर जी है ना, ये होते सिर्फ रमजान में। मैं पहले करतारपुरा आया इनको ढूंढते हुए, लेकिन मुझे पता चला कि भाई ये लगाते सिर्फ रमजान में। और रमजान की ये जो आप गेटअप देख रहे हैं ना माशाल्लाह, ये इनका इजाद किया हुआ है, ये इनका स्टाइल है। जो आप देख रहे हैं कि कुल्फी वाले भी हैं, लस्सी वाले भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये शुरू आपने किया था ना जी? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तकरीबन ये बाजार लगते हुए 15 से 16 साल हो गए हैं। सही है। तो सबसे पहले ये ट्रेंड मैंने ही चलाया, क्योंकि क्या वजह है कि आपने ये जरा धुला बने हुए आप? मैंने जब ये स्टॉल लगाया तो मैंने कहा मैं कुछ ऐसा डिफरेंट करूं कि लोग मुझे देख के आए, फिर मेरे खाने को टेस्ट करें, फिर उनको मजा आए। बेहतरीन भाई बेहतरीन। अकबर जी, खास तौर पर जो मैं करतारपुरा आया हूँ ना, चीज़ें तो हमने और भी ट्राई की हैं, लेकिन ये अकबर जी की वजह से। और ये जो रौनक है माशाल्लाह, आप लाइटिंग है, खाने क्या क्या है आपके पास? मेरे पास सैरी की बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें नली निहारी, बोंग निहारी और मगज ऐड है, साथ में खोए वाले चने, उसके साथ चिकन है, अंडा और कोफ्ता है। इसके बाद बड़े पाए की बारी आ जाती है। बड़े पाए में बड़ा मगज है, बोंग है, नली है और पाया है बड़ा। उसके बाद छोटे पाए है, छोटे पाए में जुबान, खत, मगज और छोटा पाया। इसके साथ शाही पालक है जिसको हम दूध में बनाते हैं, उसके साथ कोफ्ते ऐड है और मटन ओजरी है, मलाई मार के लस्सी और तिल वाले कुलचे हैं। इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा, बहुत बड़ी रेंज। माफ कर दो, सब कुछ है भाई यहाँ पे। और ज़्यादा जो है ना मुझे मिलके इनसे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि भाई ये अकबर जी अपने आप में एक माशाल्लाह मिसाल है। तो अकबर जी ये बताएं, आप खाली रमज़ान में क्यों लगाते हैं? मैं पहले इधर काम करता था 12 महीने, कोई 15-16 साल हो गए हैं। मैं यहाँ से थोड़ी अपनी शॉप दूर कर ली है, और यहाँ पे लोग उनको पता है कि अकबर जी यहाँ होते हैं, तो रमज़ान में मेरी मजबूरी है इधर आना, मैं आ जाता हूँ।
वरना आपका कहाँ पर है? कलर सईदा रोड पे। कलर सईदा रोड पे चौक पंडोरी में है और जीटी रोड पे है रवात में। दो सेटअप है मैंने। अच्छा 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 भाई, सारे ही आइटम यहाँ पे लगे हुए हैं और थोड़ी थोड़ी सी हर चीज जो है ना वो हम इंशाल्लाह अकबर जी की ट्राई करेंगे। खुशबुएं बहुत आला आ रही है, माशाल्लाह रश भी लगा हुआ है। 2:30 बज रहे हैं इस वक्त और जो है ना वो चीज़ें इनकी ख़त्म भी होती जा रही हैं क्योंकि सहरी ख़त्म होने में भी 1.5-2 घंटे रह गए हैं, तो इससे पहले के फिनिश हो ट्राई कर लेना चाहिए। जी की भाई मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें हमारे पास सारी की सारी आ गई हैं तकरीबन। तो जो ख़ास ट्रेडिशनल चीज़ें थी ना वो हमने अकबर जी के बलिए बचा के रखी हुई थी, तो भाई यहाँ पे आके ट्राई करेंगे। और ये आप देखिए भाई नान तिल वाले, सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा भाई ये पाए। वाह बहुत ही लजीज शोरमा है यार, बहुत ही लजीज आयतेदार शोरबा और चिपचिपाहट जो है ना वो भी जबरदस्त आ रही है पाए के अंदर। गर्मा गर्म नान, सारी बात असल में माहौल की भी होती है, जो माहौल है ना इसमें इन खानों का मज़ा ही अलग है। ये भाई शाही पालक चिकन कोफ्ते के साथ फुल देसी खाने खास, क्योंकि जो पालक हमने खाई ना उसमें साग का टेस्ट आ रहा था, लग रहा था सरसों का साग है, इसमें पालक का टेस्ट आ रहा है। ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, बहुत जायकेदार रोगनी सा इसका टच है, तो शाही है तो शाही उसी हिसाब से है। वेरी नाइस, ये भाई निहारी निहारी पाए चने कोफ्ते, भाई वाह वाह वाह। ओवरऑल जो है ना वो खाना बड़ा मज़ेदार है, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, इतनी चीज़ें यहाँ पे कि जितनी बार आप आएँ आपको हर दफ़ा जो है ना वो एक नई चीज़ मिलेगी। मज़ा आ गया भाई अजन, ज़बरदस्त माशाल्लाह बेहतरीन, बहुत मेहरबानी। आए चने और वो शाही जो पालक है, पालक है, तीन आइटम तो खास तौर पे माशाल्लाह यार बेहतरीन, मज़ा आ गया। मेरे पास जो बंदा आता है ना जो सारी डिशेज मंगवा लेता है उसको डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है यार, यार किसकी तारीफ क्या खाएं और क्या छोड़ें। बिल्कुल ऐसे देख देख के मैं पागल हो गया। अच्छा भाई अकबर जी श्री भाई साहब आएंगे तो हाफिज़ जी खोए मटन वाले आए हैं, यहाँ पे काला खान निहारी अलमशहूर जो आपको पता है, इसका मैंने एक डिटेल ब्लॉग बनाया हुआ है ये है। तो जहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं ना कमो बेश आपको सब जगह पे यही पाए चने मगज़ ओजड़ी पालक यही सारे आइटम्स आपको सारे मिलेंगे, कुल्फी मिलेगी, कुल्फी मिलेगी, लस्सी मिलेगी, तो यही सारे आप देख रहे हैं माहौल देख रहे हैं, तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। कुल्फी खोए चने वाले भाई ये देखिए आपके इतना बड़ा ये पतीला यहाँ पे रखा हुआ है, चने ना खाए ना और इनकी स्पेशलिटी चने, अगर चने ना खाए ना तो बस फिर मैं चने नहीं खाए तो कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। चने मैं आपके खा के जा चुका हूँ पहले, आपके फॉलोअर्स माशाल्लाह इतने ज्यादा हैं, आपने खा के बताने के वाकई ऐसा है ये नहीं। सही बात है सही बात है, यहाँ पे भी इनके पास यही पाए वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं और माशाल्लाह हर दुकान पे हर रेस्टोरेंट पे रश है। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा भाई अकबर जी के ऊपर हमने चने खाए तो हैं लेकिन हर एक की अपनी स्पेशलिटी है। अकबर जी जो है ना वो मशहूर है सिरी पाए के लिए, काला खान मशहूर है निहारी के लिए, इसी तरह ये जो सूफी जी है ना ये अपने मटन चने और जो खोए चने है ना कोफ्ते अंडे चने इसके लिए मशहूर है और इनके पास भी पाए वगैरह है लेकिन इनकी स्पेशलिटी है चने। तो हमने कहा भाई ये चने भी आप आए हैं कराची से सफ़र करके इतना लंबा तो फिर चखते जाएं। और रोगनी नान देखो भाई, ये रोगनी नान इतना सॉफ्ट एंड फ्लफी, रोगनी नान तिल वाला, देसी घी की जो है जिस खुशबू आई है ना खाते ही अब पता ही नहीं पड़ा ये चने गए कहाँ, ऐसा लगा कि बस वो लिक्विड की तरह मेल्ट होते गए अंदर। मटन का कोफ्ता जी
माशाल्लाह रेस्टोरेंट फुल भरा हुआ है, बाहर भी जो है ना वो जगह नहीं है, एक रश चल रहा है और उसकी वजह है जायका। ऑलरेडी सूफी मटन चलने वाले जो है ना ये बहुत पुराने हैं, बहुत मशहूर हैं, इनका एक नाम है जिस तरह बट कढ़ाई है लाहौर की मशहूर, जिस तरह जावेद निहारी कराची की है, उस तरह पिंडी की करतारपुरा में ये बड़े नान चने जो है ना मटन चने ये भी एक इनका एक लेवल है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपके चनों में जो ये जायका है, जो टेस्ट है, जो रश है माशाल्लाह, उसका क्या राज है? ये अल्लाह की मेहरबानी है और कोई राज नहीं है, अल्लाह की तरफ से। अच्छा, ये अल्लाह का इनाम है दुनिया में माशाल्लाह। कब से है आपका ये नर? हमारी तीसरी नस्ल चल रही है आपकी माशाल्लाह, यानी कि तो बहुत पुरानी बात हो गई फिर, 60-70 साल पुरानी बात हो गई है ना ये हमारी दुकान जो नान वाली है, ये पाकिस्तान बनने के बाद की है। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त, थैंक यू। अच्छा भाई, आइटम्स तो हमने बहुत सारे खा लिए और जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं ना, सब पे तकरीबन आपको यही चीज़ें मिलेंगी। किसी का जायका 19 है तो किसी का जायका 20 है, लेकिन असल चीज़ है ये माहौल, ये वाइब, ये रमज़ान की रौनकें। पेट हमारा फुल हो गया है लेकिन दिल चाह रहा है और जगह पे ट्राई करें, लेकिन भाई यहाँ पे एक लस्सी जो है ना वो जगह जगह मिल रही है, खोए वाली, मलाई वाली, वो हम जब आए थे वहाँ पे कॉर्नर पे एक स्टॉल था, उससे ट्राई करेंगे। अब सिर्फ एक ही ब्लॉगर है जिसको ना मैं वो फॉलो करता हूँ, तो आप हैं क्या भाई? ये हर ब्लॉगर तो देखता नहीं, यही कहता सिर्फ आप ही देखता। पिंडी बॉयज, पिंडी बॉयज, रेज बहुत है भाई, रेज बहुत है। ये हम पहुंच गए भाई शेख लस्सी मास्टर, शेख लस्सी मास्टर है ये। क्या हाल है भाई? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। लस्सी प्यारी है, एक पिक्चर में खींचवाऊंगा। अच्छा चलिए, जरूर जरूर। शेख लस्सी मास्टर भाई, ये तस्वीर लगी हुई है, इनका बड़ा सा पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है और ये झनकार के साथ लस्सी बनाई जा रही है यहाँ पे। शेख साहब क्या बात है आपकी लस्सी में, इतना रश लगा हुआ है। खालस खालस। शेख साहब खुद माशाल्लाह लस्सी बना रहे हैं भाई। शेख साहब कितने की है लस्सी? 150 रुपए से स्टार्ट है, 1400 रुपए से पे इख्तिताम है। नहीं भाई, मेन्यू की तरफ लेके जाएं, आवाम को दिखाएं। 1400 रुपए की लस्सी, शहनशाही गिलास है, पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट, उसके अलावा चांदी का वर्क, साथ में हमारे रमजान मुबारक के खसूसी तहाई और अंदर खोया, बहुत जबरदस्त किस्म का गिलास भाई। वाह भाई वाह। आप पब्लिक देखें यार, ये पब्लिक जो है ना यहाँ पे कितनी लगी हुई है। मेन चीज़ ये है कि भाई टेस्ट तो मैं अभी करूँगा, लेकिन असल चीज़ जो है ना वो प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे शेख साहब की जो प्रेजेंटेशन है ना वो अलग ही है और उसको देखने के लिए भी आवाम यहाँ पे आई हुई है कि भाई किस तरह से लस्सी बन रही है। ये घुंघरुओं के साथ जो है ना, घुंघरू वाले डंडे के साथ जो है वो ये लस्सी बन रही है। ये कौन सी लस्सी आप रिकमेंड करेंगे हमें पीने के लिए? मैं कहूँगा आप जौन सी मर्जी पिए, आपको अच्छा आएगी। कौन सी मर्जी पिए तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमें जो नॉर्मल लस्सी है ना, स्वीट लस्सी, 150 रुपए वाली कॉमन जो हर जगह मिलती है, सबसे पहले तो हमें वही टेस्ट करनी चाहिए क्योंकि असल लस्सी का पता उसी से चलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सारों के लिए हाजिर सर, सब सर बिल्कुल शादी है, कोई स्पेशल मलाई नहीं, मलाई भी नहीं है, मलाई भी नहीं, बिल्कुल शादी है, लेकिन इसमें सब कुछ है, सब कुछ। इसके बाद अगला सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये पेड़ा आ गया भाई, ये मोहब्बतों के साथ। ओए होए होए, इतनी मोहब्बतें, इतनी मोहब्बतें, मज़ा आ गया भाई। ये देखो भाई अंदर जो है ना, ये पेड़ा अंदर चला गया है, ये खोए का पेड़ा।
हैवी हैवी भाई लस्सी अच्छी है माशाल्लाह। और जो मेन चीज़ है ना वो यहाँ पे इनकी प्रेजेंटेशन है, जिस तरह से ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जिस तरह से ये माहौल बनाया हुआ है, एक मनोरंजन भी चल रहा है साथ साथ लस्सी भी चल रही है। और जो वैरायटी इन्होंने दी हुई है ये भी एक इन्हीं की यूएसपी है कि इतनी तरह की वैरायटी की लस्सी जो है ना वो यहाँ पे मिल रही है और अलग ही सीन है भाई। करतारपुरा के ऊपर रौनक जारी और सारी है माशाल्लाह, रश जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। शहरी का टाइम जो है ना वो अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये करतारपुरा का फूड टूर पसंद आया होगा और इंशाल्लाह ताला अगले साल रमज़ान में फिर यहाँ पे आके और मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करेंगे। आज की ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।